गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम ई क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा पाँचवीं विषय हिंदी व्याकरण, जिसमें हम आज निबंध लेखन के बारे में अभ्यास करेंगे। निबंध का नाम है चिड़ियाघर की सैर। बच्चों, चिड़ियाघर यानी प्राणी संग्रहालय, जहाँ हमें तरह तरह के प्राणी पक्षी देखने को मिलते हैं। और चिड़ियाघर है वह एक ऐसी जगह है जहाँ हम अलग अलग प्राणी पक्षी मछलियाँ सब एक ही जगह पे हमें देखने को मिलती है, जिसे अंग्रेजी में जू भी कहा जाता है। तो आज हम इस निबंध की चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो देखिए, चिड़ियाघर ऐसी जगह है जहाँ तरह तरह के प्राणी और पक्षी देखने को मिलते हैं। देखो बच्चों, देखा, चिड़ियाघर यानी प्राणी संग्रहालय वह ऐसा स्थान है कि जहाँ हमें तरह तरह के प्राणी और पक्षी देखने को मिल जाते हैं। चिड़ियाघर को प्राणी संग्रहालय भी कहा जाता है। चिड़ियाघर ने प्राणी संग्रहालय पण कहेवामां आवे छे। चिड़ियाघर में प्राणियों का विभाग, पक्षी विभाग देखने को मिलते हैं। चिड़ियाघर में अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि प्राणियों का है तो प्राणियों में भी अलग अलग होते हैं, जैसे जंगली जानवर है और पालतू जानवर है, तो सब अलग अलग विभाग में रखे हुए होते हैं जो हम देख सकते हैं। उसी तरह पक्षी विभाग होता है जहाँ पे हम पक्षियों को देख सकते हैं। एक दिन मैं अपने सहेलियों के साथ चिड़ियाघर देखने गई। यहाँ पे निबंध में हमें चिड़ियाघर की सैर के बारे में लिखना है, तो हम चिड़ियाघर देखने जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक दिन मैं अपने सहेलियों के साथ चिड़ियाघर देखने गई थी। चिड़ियाघर में जाने के लिए हमने टिकट लिया। बच्चों, जब हम प्राणी संग्रहालय में प्राणी और पक्षी देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, बाद में हम अंदर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हमने पिंजरे में एक शेर और शेरनी को देखा। शेर एटले सिंह अने शेरनी एटले सिंहा। तो सौथी पहला अमे पिंजरामां एटले के पांजरामां एक सिंह अने सिंहणने जोया। शेर सोया हुआ था और शेरनी बैठी थी। सिंह छे ते सूतो हतो अने सिंहण छे ते बैठी हती। उसके बाद हम जंगली प्राणियों के विभाग में गए। त्यार पछी अमे जंगली प्राणियों ना विभाग में गया। देखा बच्चों, अलग अलग विभाग होते हैं जहाँ हम अलग अलग जंगली जानवर या पक्षी का विभाग हो तो पक्षी देख सकते हैं। आगे देखिए, चिड़ियाघर में बाघ इधर उधर घूम रहा था। जंगली विभाग में देखा बच्चों, बाघ शेर ऐसे प्राणी हमें देखने को मिलते हैं। तो चिड़ियाघर में बाघ इधर उधर घूम रहा था। चीता है वह बैठा हुआ था। और आगे प्राणियों के विभाग में देखो, अब जंगली प्राणी का विभाग हमने देख लिया, ऐसे बताया गया है। अब आगे देखिए कि प्राणियों के विभाग में, तो अब जंगली प्राणी यहाँ पे नहीं है। प्राणियों के विभाग में हमने खरगोश, शुतुरमुर्ग और तरह तरह के बंदर देखे। जोयू बाळको, प्राणियोंना विभागमां खरगोश एटले के ससलू, शुतुरमुर्ग एटले के सामरुग अने बीजा अलग अलग वांदराओनी प्रजाति जोई।
पक्षी विभाग में हमने कौवा, बतख, मोर, चिड़िया और तोते भी हमें देखने को मिले। जोयू बाड़को पक्षी विभाग में कौवा एटले कागड़ो, बतख, मोर, चकली अने पोपट जेवा पक्षीओ जोवा मळ्या। चिड़ियाघर देखने का हमें बहुत मजा आया। बच्चों, चिड़ियाघर देखने में सबको मज़ा तो आता ही है। आपको भी चिड़ियाघर का नाम सुनते ही ऐसी तो इच्छा हुई होगी कि हम भी एक बार चिड़ियाघर जाके अलग अलग पक्षी और प्राणियों को देखें। चिड़ियाघर की सैर करने से हमें एक ही जगह पर तरह तरह के प्राणी और पक्षी देखने मिले। प्राणी संग्रहालय की मुलाकात लेवाथी आपने एक ज जग्या पर अलग अलग प्रकारना प्राणियों अने पक्षीओ जोवा मळे छे। तो एटला माटे आपणे दरेक अलग अलग जग्याए न जईए पण एक ज जग्याए जेम के चिड़ियाघर एटले के प्राणी संग्रहालय में जईने आपणे जुदा जुदा प्रकारना प्राणियों अने पक्षीओ जोई शकीए छीए अने तमे तेने आनंद पण लई शको छो। तो बच्चों, आज हमने चिड़ियाघर की सैर के बारे में निबंध समझा। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।